रिंकू एक 8 साल का बच्चा है जिसे स्कूल में उसके मोटापे के लिए बुली किया जाता है। अरे देखो देखो, रिंकू का लंच बॉक्स तो देखो, इतना मोटा है और लंच बॉक्स इतना छोटा लाता है। रिंकू यार, तू सिर्फ आलू खाता है इसलिए आलू बनता जा रहा है। रिंकू उनको अनदेखा कर देता है। तभी एक लड़का रिंकू का लंच बॉक्स छीन लेता है और उस पर हंसता है। मेरा लंच बॉक्स दे दो। अरे खा के क्या करेगा मोटे, और मोटा हो जाएगा। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं। रिंकू पीछे पीछे अपना लंच बॉक्स हाथ में लिए आता है। वही बच्चे एक बीमार कुत्ते को पत्थर मार रहे होते हैं। अरे देखो कितना पतला कुत्ता है, अबे रिंकू इस कुत्ते से ही कुछ सीख ले। वो लड़के हंसते हुए कुत्ते को पत्थर मारते हैं। कुत्ता चीखता रहता है। बच्चों के चले जाने के बाद रिंकू कुत्ते के पास आकर उसे प्यार करता है और उसे अपनी रोटी देता है। कुछ ही दिनों में कुत्ता और रिंकू दोनों दोस्त हो जाते हैं और साथ आते जाते हैं। माँ मुझे दो रोटी देना। दो रोटी, वो क्यों? मुझे टॉमी को खिलानी है, वह मेरा दोस्त है, मुझे बहुत प्यार करता है और कभी तंग भी नहीं करता। खाना खिला दो, लेकिन वह सड़क का कुत्ता है, उसे हाथ मत लगाया करो। माँ टॉमी मेरा दोस्त है, उसे सड़क का कुत्ता मत बोलो। अच्छा बाबा, नहीं बोलती। अगले दिन स्कूल के बाद रिंकू टॉमी को घर ले आता है और उसे अपने लॉन में नहलाता है। देखो माँ, अब टॉमी साफ हो गया है, इसको घर में रख ले। अरे बेटा बाहर खेल लिया करो, घर में नहीं लाना, ये सड़क का कुत्ता है। माँ फिर वही बोला, ये टॉमी है मेरा दोस्त, सड़क का कुत्ता नहीं है। रिंकू और टॉमी की दोस्ती और भी बढ़ गई। टॉमी रोज उसके साथ स्कूल जाता और स्कूल खत्म होने तक बाहर उसका इंतजार करता। दोनों शाम तक खेलते रहते। टॉमी तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, एक तुम ही तो हो जो मेरा मजाक नहीं उड़ाते। एक दिन रिंकू और टॉमी स्कूल से वापिस आ रहे होते हैं। तभी म्यूनिसिपालिटी की कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी आ जाती है। एक आदमी टॉमी को पकड़ने की कोशिश करता है और वह रिंकू के पीछे छिप जाता है। अंकल आप टॉमी को क्यों पकड़ रहे हैं? अरे मोटे, तेरी अकल भी मोटी है क्या? ये टॉमी नहीं सड़क का कुत्ता है, हम इसको पकड़ने आए हैं। अंकल प्लीज टॉमी को मत पकड़ो, यही मेरा एक दोस्त है। अगर ये तुम्हारा पालतू कुत्ता है तो इसको अपने घर पर क्यों नहीं रखते, ये तो दिन रात बाहर घूमता रहता है। तभी वह आदमी टॉमी को जबरदस्ती पकड़कर जाली वाली गाड़ी में डाल देता है और गाड़ी चला देता है। ये मेरा टॉमी है, ये मेरा दोस्त है, इसे मत लेकर जाओ प्लीज, अंकल इसको मत लेकर जाओ। रिंकू गाड़ी के पीछे भागता है किंतु ड्राइवर गाड़ी भगाकर ले जाता है। टॉमी गाड़ी की जाली से झांकता हुआ चिल्लाता है। रिंकू रोता रहता है। क्या आपके ख्याल में बच्चों का आपस में एक दूसरे के शक्ल, रंग या मोटापे का मजाक उड़ाना अच्छी बात है? अलग दिखने वाले बच्चों को अक्सर उनके उम्र के बच्चे मजाक उड़ाते हैं। इसे बुलिंग कहा जाता है। बुलिंग से बच्चों के आत्मसम्मान का नाश होता है। पालतू जानवर ऐसे अंदर से टूटे हुए बच्चों को फिर से आत्मसम्मान दिलाने में बहुत अच्छे होते हैं।